तो आप सभी को बताना चाहता हूँ इस वक्त की जो है सबसे बड़ी अपडेट के बारे में, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने की बड़ी घोषणा। एक इस वक्त की जो आप लोगों के लिए सबसे बड़ी अपडेट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो है, काफी महत्वपूर्ण जानकारी निकल के आ रहा है। जी हाँ, 9 जनवरी कैबिनेट बैठक के बाद आम सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण फैसले, आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट काम जो है किए जा रहे हैं, और बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए जा रहे हैं, जिससे छत्तीसगढ़ के सभी किसानों के लिए राहत भरी खबर है। जी हाँ, 21 दिनों में जो है छत्तीसगढ़ के सभी किसानों का, सभी बैंकों का जो है कर्जा माफ होने वाला है, और 3100 रुपये जो है प्रति क्विंटल की दर से आपके बैंक अकाउंट में जो है पूरे के पूरे जो है पैसे आपके बैंक अकाउंट में पूरे के पूरे जो है राशि ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर किसान जो है परेशान रहते हैं, इसी वजह से रहते हैं कि हमारा बैंक में कर्जा है। तो आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि अब आप लोगों को दिक्कत नहीं होने वाली। छत्तीसगढ़ में बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा आप सभी के लिए ही ज्यादा से ज्यादा और आप सभी के लिए मेहनत किए जा रहे हैं, जिससे कि आप सभी को पूरा का पूरा जो है लाभ मिल सके, आप सभी को पूरा का पूरा जो है फायदा मिल सके, आप सभी को जो है हर एक अपॉर्चुनिटीज का जो है लाभ जो है देखने को मिल पाएगा। 21 दिनों में छत्तीसगढ़ के सभी किसानों की जिंदगी बदलने वाली है। आप सभी किसानों का, प्रदेश में करीब 22 लाख किसान है, तो सभी किसानों का, सभी बैंकों का जो है एक एक करके जो है कर्जा माफ होने वाला है। जो भी किसान जो कर्ज के वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत में रहते हैं कि हमारा बैंक में बहुत ज्यादा लोन है, हमारा बैंक में जो है बहुत ही ज्यादा कर्जा हो गए हैं, तो आखिरकार किस तरह से सभी चीजें ठीक हो पाएगा, किस तरह से सभी चीजें सॉल्व हो पाएगा, किस तरह से हम सभी चीजों को मैनेज कर पाएंगे, किस तरह से हम जो है सभी चीजों को ठीक कर पाएंगे, इन सभी चीजों के बारे में जो है सोचते रहते हैं। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि बिल्कुल भी आपको सोचने वाली कोई बात नहीं है, दिक्कत आपको नहीं होने वाली। आप सभी के लिए 21 दिनों में जो है छत्तीसगढ़ में बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा आप सभी के लिए ही काफी इंपॉर्टेंट अपडेट हो जो है निकल के आ रहे हैं। जी हाँ, चाहे आपका गवर्नमेंट बैंक हो या फिर प्राइवेट बैंक हो, आप सभी को ही इसका फायदा, आप सभी को ही इसका लाभ जो है देखने को मिल पाएगा। चाहे गवर्नमेंट बैंक वाले हो, प्राइवेट बैंक वाले हो, सभी बैंकों का एक एक करके जो है प्रत्येक बैंकों का, सभी बैंकों का पूरे के पूरे जो है आप सभी को जो है इसमें बेनिफिट्स जो है पूरे के पूरे एडवांटेज जो है देखने को मिल पाएगा। इसके अलावा भी स्टूडेंट्स के लिए भी, जी हाँ, जितने भी जो छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगार स्टूडेंट है, बेरोजगार युवा है, जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, जो भर्ती परीक्षा एग्जाम्स की स्टडी कर रहे हैं, प्रिपरेशंस कर रहे हैं, उनमें से हर एक स्टूडेंट्स यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी एक के बाद एक जो है नए नए गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज निकले, एक के बाद एक जो है भर्ती निकल कर आए, जिससे कि हम, हमारा कॉम्पिटिशन एग्जाम जो है क्वालिफाई हो सके, हम जो है आगे बढ़ पाए, हमें जो है सरकारी नौकरी मिल पाए, हमें एक अच्छा खासा सैलरी 20 से 25 हज़ार का जॉब मिल जाए, यही इन सभी चीज़ों के बारे में ही सोचते रहते। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, अब आप लोगों को दिक्कत वाली बात, अब आप लोगों को किसी भी तरह से परेशानी या प्रॉब्लम्स फेस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो 21 दिनों में जो है छत्तीसगढ़ के सभी किसानों का, सभी बैंकों का पूरे के पूरे जो है कर्जा माफ कर दिए जाएंगे, और 9 जनवरी कैबिनेट बैठक में काफी महत्वपूर्ण अहम फैसला लिया गया है, और आप सभी के लिए जितने भी फैसले लिए जाते हैं, आप सभी के लिए जितने भी महत्वपूर्ण घोषणा पत्र, जितने भी इम्पोर्टेंट अपडेट जो आप सभी के लिए निकाले जाते हैं, वो हर एक अपडेट, वो हर एक एक चीज आप सभी के लिए जरूरी हो जाता है, वो हर एक अपडेट आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, आप सभी के लिए काफी ज्यादा मायने रखता है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और 3100 रुपये प्रति क्विंटल के दर से आपको जो है धान के पूरी राशि, 3100 रुपये प्रति क्विंटल के दर से आपको जो है पूरे के पूरे जो है पैसे, पूरे के पूरे राशि आपके बैंक अकाउंट में जो है सफलतापूर्वक ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ के ज्यादातर किसान यही सोचते हैं कि अब हमारा क्या हो पाएगा, किस तरह से हो पाएगा, किस तरह से हम लोन को चुका पाएंगे, किस तरह से हम बैंक का कर्जा जो है छूट पाएंगे, किस तरह से हम जो है कर्जे से मुक्त हो पाएंगे, और किस तरह से हम अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने बच्चों की फीस पे कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने बच्चों के कॉलेज की फीस पे कर पाएंगे, इन्हीं सब चीजों के बारे में जो है सोच सोच कर छत्तीसगढ़ के सभी किसान बहुत ज्यादा दिक्कत में रहते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में रहते हैं, बहुत ज्यादा परेशानी में रहते हैं, और वो बहुत ज्यादा तकलीफ में रहते हैं। तो ऐसे में अगर बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा आप सभी किसानों का, बैंकों का अगर कर्जा माफ कर दिया जाता है बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, तो आप सभी को बहुत ही बड़ी राहत मिलेगा, चाहे गवर्नमेंट बैंक वाले हो या प्राइवेट बैंक वाले हो, सभी के लिए। ऐसा थोड़ी नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट बैंक वालों का माफ होगा, ऐसा नहीं, एक एक करके शुरू शुरू में गवर्नमेंट बैंक का, देन उसके बाद धीरे धीरे करके प्राइवेट बैंकों का। तो
सभी बैंकों का आपका जो है कर्जा माफ होने वाला है, जो कि आप में से हर एक के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, आप में से हर एक के लिए जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जी हाँ, तो आप लोगों के लिए जो भी अपडेट निकल कर आते हैं, आप लोगों के लिए जितने भी सूचना होती है, आप सभी के लिए जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं, आप सभी के लिए जितने भी अपडेट होते हैं, वो हर एक चीज आप सभी के लिए जरूरी हो जाते हैं, वो हर एक अपडेट आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, वो हर एक अपडेट आप सभी के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है देखने को मिल पाता है। तो 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से आपको जो है धान का बोनस का भुगतान पूरे का पूरे जो है कर दिए जाएंगे। जैसे कि देखो, बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा आप सभी से जितने भी वादे किए जाते हैं, जितने भी अपडेट आप सभी के लिए, जितने भी घोषणा पत्र हैं, जो भी जो मोदी की गारंटी है, उन सभी गारंटी को, उन सभी योजनाओं को जो है डेफिनेटली अवश्य रूप से पूरे किए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा हर एक चीज आप सभी के लिए किए जाते हैं, बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा जितने भी काम किए जाते हैं, जितने भी अपडेट होते हैं, जितने भी घोषणा पत्र होते हैं, वो आप ही सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, वो आप सभी के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। इसके अलावा भी मातृ वंदना योजना की बात किया जाए, जिससे छत्तीसगढ़ के सभी महिलाओं के बैंक अकाउंट में 12,000 रुपये की राशि जो है ट्रांसफर किए जाएंगे, ये भी आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आप सभी के लिए जितने भी हो गए, मैं ये सभी अपडेट बता रहा हूँ, ये भी चीजें इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भी आने वाले टाइम में और भी काफी महत्वपूर्ण चीजें आप सभी के लिए जो है निकल कर आने वाले हैं। तो आप सभी के लिए जो जो अपडेट आते हैं, जो जो घोषणा पत्र होते हैं, जितने भी मैनिफेस्टो होते हैं, उन सभी मैनिफेस्टो पर काम किया जाता है, और आपके हर एक सपने, आपके हर एक ख्वाब, आपके हर एक ड्रीम जो है डेफिनेटली जो है अवश्य रूप से पूरे हो पाएंगे। और कभी भी ये मत सोचना कि सभी चीजें मैनेज हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, किस तरह से हम जो है सभी चीजों को ठीक कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, इन सभी चीजों के बारे में बिल्कुल मत सोचो। आपको सिर्फ अपने काम के बारे में सोचना है। तो जो भी स्टूडेंट जो मेहनत कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स के, उनके लिए भी 1 लाख पोस्ट होने वाला है। तो ये सभी अपडेट, ये सभी जानकारी आप सभी के लिए कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे हॉस्टल वार्डन बनना चाहते हो, पटवारी हो या फिर अमीन पटवारी। आई होप आप सभी को वीडियोस पसंद आया हो। अगर मेरे द्वारा दी गई हुई सभी जानकारी, सभी अपडेट अगर आप सभी को पसंद आया हो, वीडियोस अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रख लेना, इन वीडियोस को जितना ज्यादा हो सके आपको शेयर करना है। थैंक यू सो मच। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिए, आपका अपना डाउट जो है अवश्य रूप से क्लियर कीजिए, ताकि सभी को सभी जानकारी, सभी अपडेट जो है मिल पाए। थैंक यू सो मच। किसी भी प्रकार का कोई भी पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं।